And viewers, in fact, when it comes to the speaker's post itself, a war of words has, of course, been raging on between the Congress and the BJP. It seems that Rahul Gandhi and Union Minister Rajnath Singh are also trading barbs over these elections. Rahul Gandhi has claimed that Rajnath Singh called Mallikarjun Kharge and asked him to extend support to the NDA candidate for the speaker's post. He also claimed that the opposition said that it would support the speaker on the condition that the post of the deputy speaker would be given to the opposition. And he claimed that Rajnath Singh stated that he would call back Mallikarjun Kharge, and then Rahul Gandhi has further gone on to state that after this conversation, no further attempts were made to reach out. Meanwhile, responding to this, Rajnath Singh has stated that the conversation he had with Mallikarjun Kharge not once but thrice over this issue. Let's in fact listen in to the face-off. बार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए. ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए. राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे. अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है. तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है. तो नियत साफ नहीं है. नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए. और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे. तो ये अखबार तक खरगे जी का प्रश्न, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ. कल से लेकर आज तक उनसे तीन बार हमारी बात हुई. फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन.